तो हम यहाँ घर से आ गए और भाईजान अपने घर को चल दिया। लेकिन बात यह कि मार्केट बहुत ही बड़ा है तो हस्बैंड का कंप्लेन उसके वाइफ से करो, हस्बैंड से तो कुछ उखड़ने वाला नहीं है। ये समझ में आया नहीं चाहिए बर्बर भाई, जितना हो सके उतना भर, कमी ना हो, पैकेट बंद ना हो तब भी चलेगा, भरना जरूरी है। ये हो गया भाई, अब पूछने के लिए तेरे को छोटा वाला चम्मच चाहिए क्या? धक्का मार उसको, दबा 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 बहुत बार जा रहे हैं। तो हम यहाँ घर से आ गए और भाईजान अपने घर को चल दिया, उसी के लिए खाना पैक हो रहा है। तेरा मास्टर प्लान तो बता क्या है, बता मास्टर प्लान क्या रहेगा भाई, जाओ सो जाओ। अरे वो क्या था तेरा, सुबह उठूंगा नाश्ता पे लूंगा, वो वाला बता। अरे यार वो सब थोड़ी बताते हैं, बता किसी को पता चल जाएगा तो। ट्रेन का मास्टर प्लान, खाओ और सो तो, बस खाओ और सो तो, और कुछ नहीं होना चाहिए। वहां पे सामान पैक हो गया केवल और केवल आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में, इतना तेज। और घर जाने के लिए इंसान कपड़ा चेंज करता, यार कपड़ा चेंज नहीं हुआ, सुबह से जो पहना है वही पहन के जाएंगे भाई हमारे। मेरे को लगता है कल से पहना हुआ है ये। नहीं भाई ऑफिस जाने के लिए पहना ऑफिस नहीं गया, ऑफिस नहीं गया तो घर जा रहा सीधे सही है ना, पहना हो तो कहीं तो जाओ। और पैकिंग करते हुए इतना सारा कपड़ा निकला जो कि मालूम चला ये नया है, छुआ ही नहीं है भाई ने बहुत सारे, तो इतना रही सोना है क्या, कपड़ा खरीद के रख दो, पता ही नहीं चले कि खरीदा है। पागल हो गया इंसान। 1400 मेरे 10,000 रुपए हंस रहे थे। 1400 इतना बड़ा धोखेबाज आदमी, हल्द्वानी 766 मेल्स 670 फीमेल्स और 50 मुर्गे। पनियाली का पॉपुलेशन देख के लोग ऐसा हंस रहे हैं, पनियाली जहाँ मैं रहता हूँ गांव इलाका। ये झूठ बोलते हैं, हल्द्वानी में नहीं रहते, ये पनियाली में रहते हैं और बेचारे सुशील के छुरी कला पे हंस रहे हैं। तेरे को तो हक ही नहीं बनता भाई। भाई सबसे ज्यादा मैं ही डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ, ठीक है, तुम पनियाली और छुरी कला वाले बात ही मत करो मेरे। तो मैं तो बोला ही नहीं मैं डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, नगर पंचायत 10,000 बोलता है मेरे यहाँ डोमिनोज है। बाद में मुझे पता चला कि इसका गांव ही भाई काट देना है। 11:40 कितना सोना नहीं है, 10 बजे निकलता मैं मैक्सिमम, 11 बजे पहुंच जाता। अब 2:20 हो गया, रिशेड्यूल हो गया भाई का ट्रेन, रीशेड्यूल पे रीशेड्यूल होया जा रहा है। इसको मैं नीचे छोड़ने आया था लेकिन इतना रीशेड्यूल हो गया कि मेरा गुड नाइट करने का टाइम हो चुका है। और इसको डर है कि कहीं ये रुके रुके गुड नाइट ना कर दे, तो वो सो नहीं रहा, पानी पे पानी पी जा रहा है, पानी पे पानी। चलो भाई जल्दी जाओ, मैं यहाँ पे सो जाऊंगा। सो जाऊंगा, सोना नहीं है, सोना नहीं है। अगले मैं तो सो रही हूँ, अगले हफ्ते मिलते हैं। अरे रे चलो टाटा टाटा टाटा, एक हफ्ते में आ जाएगा ना वापस, एक हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली। चलो अरे सोना नहीं है, मुंह बंद कर भाई, वहां सोऊंगा ना ट्रेन में। चल बाय बाय, जितने लेट सोएगा उतने लेट उठेगा और टाइम जल्दी पास होगा। और वेलकम जी, कैसे हो? इन 3 सेकंड में या 2 सेकंड में कुछ बदला? नहीं ना, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए तो 2 हफ्ता बदल गया। बता दो, रुक जाओ। सवेरे सवेरे का मौसम और थोड़ा ठंडा भी है, हवा चल रही है आजकल ज्यादा। तो सुशील भाई को गए हुए हो चुके हैं 10 दिन ऐसा ही कुछ, लेकिन कैमरे में लग रहा होगा बस कल ही तो गए हैं रात को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब तक वो आखिरी शॉट लिया गया था और जब अभी का शॉट लिया गया है, 3 किलो कम कर चुका हूँ मैं, लाइफ के टंटे लग चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। धीरे धीरे बताऊँ, धीरे धीरे। याद है किसी जमाने में मैं यहाँ दिखा रहा था, पुलिया बन रहा था तो बन चुका, उसी के बाद यहाँ पे रोड खुद चुका है और यहाँ पे सीमेंट वाला उनका वो समझ गया ना, वहाँ से वहाँ जोड़ने के लिए वो भी बन चुका है। तो चीज़ें तो बहुत आगे जा चुकी,
बस हम ही पीछे रह गए ऐसा लग रहा है। पहले चाय पी लेता हूँ फिर बात करूँगा, रुक जाओ। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये है हमारा क्षितिज। अब हम तीनों में एक दिक्कत ये हो गई कि हम तीनों चालू कर दिया जॉब हंटिंग इस बड़ी, क्या बोलेंगे इसको, इतने भारी भरकम, क्या बोलूं, इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी तादाद वाली दुनिया में हम निकल पड़े रिवाइटल की गोली खा के जॉब ढूंढने। कोशिश जारी। बोलिए कुछ। क्या बोलूं भाई, बता दे। स्क्रिप्ट चाहिए मुझे। इन्होंने अब तक कभी नहीं देखा था मेरे को ब्लॉग करते हुए, तो आज पहली बार कंटेंट तो देना ये भी चालू करेंगे कुछ ही दिनों में। कुछ ही दिनों में हुआ कुछ यूं है कि मार्केट की स्टेबिलिटी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, तो उसी के चक्कर में रोजी रोटी की खोज में निकल पड़ा। लेकिन बात यह कि मार्केट बहुत ही बड़ा है तो दिक्कत थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है। और एक लौंडा है जो हमारे साथ लगा हुआ, वो सो रहा है, उसको वो लेके आएंगे। छोटी सी टोली हमने बना ली अपना सुख दुख बांटने के लिए। जैसे कुछ दुख होता है सुख होता है तो आ जाता है चाय पीने, तो वैसे ही ये। केला है, भिंडी है, टमाटर और थोड़ा सा गोभी का टुकड़ा भी है। चलो बढ़िया। अगर कोई सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ टमाटर। 120 रुपए किलो होने के बाद भी हम टमाटर यूज कर रहे हैं। हमारे घर में तो बंद हो चुका है, घर में मतलब हल्द्वानी में, मम्मी ने बोला यूज करना छोड़ दिया, नींबू निचोड़ के काम कर रहे हैं। ये है पहला चीज। और दूसरा चीज ये है कि आजकल कुक वाले भैया एकदम इंस्ट्रक्शन के साथ खाना बनाते हैं, उनकी मनमर्जी नहीं चलती कि ये बना दूं ये बना दूं, ये नहीं है ये है, तो पहले चेक कर लेना पड़ता है। क्योंकि थोड़े दिन पहले खाना बनाने में लफड़ा किए थे तो उनको बोल दिया था अच्छा से करो, नहीं तो अब पूछ पूछ के सब कुछ करते हैं, तो ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस भैया चावल कच्चा बना रहे थे, सब्जी कभी ऐसा ही हो जा रहा था, कभी दाल पतला हो जा रहा था, कभी ज़्यादा ही गाढ़ा हो जा रहा था, सब्जी के माफिक खाना पड़ रहा था। तो मैंने बोला भैया कल से मत आओ, आपकी वाइफ भी कुक करती है तो वो आए। तो फिर आधे घंटे उनके वाइफ के साथ डिस्कशन हुआ कि दिक्कत क्या हो रही है, उसके बाद अब खाना अच्छा बन रहा। हस्बैंड का कंप्लेन उसके वाइफ से करो, हस्बैंड से तो कुछ उखड़ने वाला नहीं। ये समझ में आया। एक नया वड़ा पाव सेंटर खुला है यहाँ पे, बढ़िया चलता है। क्यों? बहुत ही टेस्टी, मैंने इतना खाया तो 10 दिन लगातार खाते बढ़िया है यहाँ पे। ये मैडम बहुत बेल दिए हैं आके, और मैं कैमरा लेके ऐसे निकल रहा हूँ तो कुछ तो लोग भूल ही रहे। क्या करें फुंदरू याद गिरे। क्या हो गया, क्या है? अच्छा बिल्ली है आज, तू आज मेरे को लगा ही था बिल्ली या कुत्ता मिल गया होगा, हर बार यही होता है। ये बढ़िया एम्बेसडर गाड़ी है भाई, केरला की, बढ़िया है, यहाँ पे खड़ी रहती है, चकाचक चलती है सुबह सुबह, नो दिक्कत, बढ़िया अब तक सर्विस दे रही है। कैसे भगवान जाने, मेंटेन किया भाई जिसके ओनर ने, बड़ी बात है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्षितिज भाई के घर, वहाँ पे कुणाल भाई भी हैं, तो थोड़ा गेट टुगेदर हो जाएगा हम लोग का। वो अपना घर क्षितिज भाई का घर, वहाँ पे किसी बैचलर का घर है, जूतों से पता लग रहा है। हेलो, वेलकम जी। चल कुणाल का है, क्यों नहीं है कुणाल, नहीं है नहीं भाई, कुणाल भाई है कर कर गया रे यार, क्या बोला बे, अभी यहां आओ, झूठ बोल रहे तू, कहां उसको क्या खा छुपा दूंगा, हां बोल रहा है यहां पे क्षितिज भाई का रेज्यूमे यहां पे रिव्यू हो रहा है, और हाथ में आ गया हल्दी वाला दूध। क्षितिज भाई हमारे एकदम परफेक्ट नंबर के कुक। एक स्टोरी सुनाता हूं, हमारे कुक क्षितिज भाई के घर में आए थे खाना बनाने, खाना तो नहीं बनाया, अल्लाह मचा के सब चले गए। एक टाइम फ्री ट्रायल देने आए थे खाना बना के, दूसरे दिन पैसा मांगने आ गए। हेलो कुणाल भाई, हेलो चोकलावा किंग, चोकलावा किंग, जिम फ्रीक, जैगुआर फिटनेस से शेर अपने सागर भाई, झूठ बोलता है, मैं ध्यान लगा रहा था। क्या ध्यान लगा रहा था तू? देखा सीधी से घर बोला था इसने, मैं एचआर की पूजा कर रहा था। कौन लाया ये लाया, ये भाई हमारे कीटो डाइट पे थे। जिनको कीटो डाइट नहीं पता उसमें प्रोटीन इंटेक हाई होता है,
और ये अनछंट चीजें चावल वावल नहीं करते, कम कर देते हैं, ठीक है। दो दिन का कीटो डाइट और तेल निकल गया लौंडे का हमारा। कीटो वीटो सब भ्रम है, फास्ट फूड खाओ और जल्दी मरो। अभी हमारे भाई बांसुरी बजाएंगे, एम्बुलेंस वाला आवाज निकालेंगे। गजब का टैलेंट है। दो और एक बार, और एक बार। सागर भाई आ गए गिटार लेके। गिटार है, गिटार है किसका? सीख रहे हो क्या अभी नया नया? अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ज्यादा सीख गए। चाय भी नहीं है हम लोग, चाय लेकिन चाय कुछ खास नहीं है, दूध में पानी मिक्स कर दिया गया, ऐसा क्षितिज भाई का कहना है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा नहीं लग रहा कुणाल भाई? मेरे को कम वाली दे, हम दोनों बराबर है। अरे चाय बराबर कर रहा है। तो चलिए फिर ये वाला ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में कुछ तो करेंगे, पता नहीं, क्या पता किसी को जॉब मिली जाए जो हम ढूंढ रहे हैं। हाँ, और चौथा आदमी जो बोल रहा था ना मैं जॉब ढूंढ रहा है, वही है। तो नेक्स्ट वाले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें और टाटा। प्रार्थना करें हमारी जॉब लग जाए जल्दी से। टाटा बोल जल्दी।